हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इग्निटेड फैक्ट्स चैनल। 1 जून 2021 में गल्फ ऑफ एडन में कुछ ऐसा हुआ जिसने 35 फिशरमैन की लाइफ बदल गई। उन 35 फिशरमैन को सी में एक स्पर्म वेल की डेड बॉडी मिली। स्पर्म वेल वेल की ही एक स्पेसीज होती हैं जिनका मुंह आगे से ब्रॉड होता है, जिससे इन्हें पहचानना आसान होता है। स्पर्म वेल की बॉडी से उन्हें एम्बर्गिस नाम का एक सब्सटेंस मिला जिसकी कीमत $1.5 मिलियन है और इंडियन रुपीस में इसकी कीमत 11 करोड़ है। एम्बर्गिस एक तरह का सी ट्रेजर ही है जो कि वर्ल्ड के सबसे रेयरेस्ट सब्सटेंसेस में आता है और ये वर्ल्ड की 1 से 5% स्पर्म वेल के द्वारा ही बनाया जाता है। लेकिन ये बनता कैसे है, आइए जानते हैं। स्पर्म वेल अपनी डाइट में कडल फिश खाती हैं जिनका अनडाइजेस्टेड मटेरियल वेल के 4 स्टमक से होता हुआ इंटेस्टाइन में फंस जाता है और ये इसी वॉमिटिंग को बाहर निकालती हैं जो कि एम्बर्गिस होता है, जिसे हम वेल वॉमिट के नाम से भी जानते हैं जो कि बहुत ही कीमती होता है। एम्बर्गिस का यूज़ परफ्यूम इंडस्ट्रीज में होता है और ये बहुत ही महंगा रॉ मटेरियल भी होता है क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और इसका प्रोडक्शन बहुत ही कम है। ये सिर्फ नेचुरली ही बनाया जा सकता है। एम्बर्गिस का एक टुकड़ा 300 साल तक प्रेग्नेंट रह सकता है। हम ह्यूमन बींग्स इसका यूज़ 1000 सालों से कर रहे हैं। इतना ही नहीं, एम्बर्गिस का 17.5 लाख साल पुराना फॉसिल भी पाया गया है। फ्रेंड्स, एम्बर्गिस और वेल वॉमिट के बारे में इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।